हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा एंड दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन जनरल साइंस फॉर यूपीएससी पी एस ओके ऑलरेडी डिस्कस मैं आपके साथ ये चीज़ कर चुका हूँ कि साइंस के लिए हम ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे हम यूपीएससी के जो वेरियस एग्जामिनेशनस होते हैं जैसे सी डी एस सी ए पी एफ़ सी आई एस एफ इन सारे एग्जाम्स में जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलराइट एंड right? उन क्वेश्चन को हम करेंगे डिटेल में डिस्कस हमारा जनरल साइंस ऑलमोस्ट वहाँ से कवर हो जाएगा ओके okay? एक आ, देखो दो चार क्वेश्चन तो बहुत इजी से ही होंगे साइंस में बिल्कुल जनरल से मैं आज भी आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालता है कि वो संडे ट्रीट होते हैं बच्चों के लिए कि हाँ यार तू संडे अपना वेस्ट करके पेपर देने आया है तो हम तुझे बुरा फील नहीं कराएंगे ये ले तेरे ले लॉलीपॉप ठीक है चलो तो पाँच क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से इस वीडियो में शॉर्ट सा क्रिस्प सा वीडियो रहेगा पहला क्वेश्चन द टिशू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी इज इनमें से कौन सा टिशू हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन ए कनेक्टिव टिशू ऑप्शन बी मस्कुलर टिशू ऑप्शन सी नर्वस टिशू या फिर ऑप्शन डी एपीथिलियल टिशू ठीक है जनरली जनरली जो बच्चे होते हैं सेवेंटी टू एट्टी परसेंट जो बच्चे होते हैं वो ऑप्शन सी और डी को तो काट देते हैं कन्फ्यूज़न मेनली उनको कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में होती है लेकिन अगर आपने एन पढ़ी हुई हो तो उसमें भी आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी एज इट इज़ एन से क्वेश्चन उठाया गया है आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन बी मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट ठीक है बाकी भी इंपॉर्टेंट है एक सेम चैप्टर है एन की बायो की बुक का जिसमें इन सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है आज हालांकि हम मस्कुलर टिश्यू के ऊपर ही डिस्कशन अपनी रखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा दैट इज़ जो हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा उसमें हम कनेक्टिव टिशू नर्विस टिशू और एपिथिलियल टिशू से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट एरियाज को करेंगे ओके okay, तो मस्कुलर टिशू के ऊपर डिस्कशन पर जाने से पहले एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट आर माओ अब ये सवाल जो है ये मैंने खुद बनाया है ये आ, इस पेपर में नहीं था जो हम डिस्कस कर रहे हैं सी ए सी आई एस एफ का ठीक है तो मायोफाइब्रिल्स क्या है दे आर द रॉड लाइक यूनिट्स ऑफ मसल सेल्स मसल सेल के रॉड लाइक यूनिट्स हैं दीज आर द हार्मोन्स दैट आर रिलीज बाय इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ये एक तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है वंस अगेन अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम uh, जो है बच्चे को नहीं आएगा बहुत इजीली इसको जो है आप कर सकते हो ओके okay? तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में आंसर होगा आपका ऑप्शन ए तो माओफे क्या होते हैं दे आर रॉड लाइक यूनिट ऑफ मसल मसल सेल्स तो जो सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं मसल्स उनके सेल्स का एक रॉड लाइक यूनिट होता है जिसको माओफेब्रिल्स कहा जाता है right. चलिए तो ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सैलेंड्रिकल फाइबर्स हर मसल जो है वो सैलेंड्रिकल फाइबर्स का बना होता है एंड ये जो फाइबर्स होते हैं दे आर कंपोज ऑफ न्यूमिर फेब्रिल्स विच आर कॉल्ड मायोफेब्रिल्स ओके तो मसल फाइबर्स जो हैं वो किससे बने होते हैं मायोफेब्रेल्स से बने होते हैं नाउ दिस मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इट शॉर्टन्स अगर आप कोई स्टिमुलेशन करते हो तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ठीक है वॉकिंग कर रहे हो या कोई भी बॉडी मूवमेंट आप कर रहे हो तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड अल्टीमेटली जब आपकी वो मूवमेंट एंड हो जाती है देन ऑटोमेटिकली जो मसल है वो रिलैक्स होकर के अपनी नॉर्मल अनकॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन पर आ जाती है ओके okay? तो यहाँ से हम यही बोल सकते हैं सीधा सीधा कि देयर एक्शन मूव्स द बॉडी कि जो मसल्स का एक्शन है जो मस्कुलर टिश्यूज का एक्शन है उससे जो है हमारी बॉडी में मूवमेंट आती है ठीक है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट आर मस्कुलर टिश्यू ऑल्सो चेंजेस एंड दैट रिजल्ट इन टू बॉडी और वेरियस जो पोजिशन है बॉडी की वो उसी वजह से होती है सो वी कैन से इन जनरल दैट मसल प्लेज एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी तो सवाल अपने पास यही था ना कि सवाल अपने पास क्या था अगर आप सवाल के ऊपर जाएंगे तो सवाल क्या था कि कौन सा मूवमेंट बॉडी के लिए जो है मसल यूज टिश्यू यूज होता तो मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली आंसर बन गया था ऑल राइट और माओफिब्र भी आपको पता चल गया दे आर बेसिकली द थिंग्स विच यू नो मेक अप द फाइबर ऑफ द मसल टिश्यू ऑल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज वन टाइप ऑफ मसल्स इनमें से कौन सा जो है ज अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू यहां पर आप लिख दीजिएगा ठीक है स्कैलेटल स्मूद फिर ऑल ऑफ से कौन सा एक टाइप ऑफ मसल टिश्यू है ठीक है जी मसल टिश्यू का टाइप आपको पता होने चाहिए ठीक है तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन डी सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज वन इज योर स्केलेटल द सेकेंड वन इज योर स्मूद एंड द थर्ड वन इज योर कार्डियक ओके अब पढ़ने को तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं ठीक है एनसीईआरटी में थोड़ी डिटेल में गिवन भी है आ, लेकिन उतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है कि आ, क्या पूरा मतलब कॉम्पोजिशन और ये सारा डिटेल बहुत ज़्यादा किस तरह से मूवमेंट होता है वो सब अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा हम उतना करेंगे ठीक है तो तीन ये अपने लिए हो गए इम्पॉर्टेंट अपने को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू तीन तरह के होते हैं स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक ओके अब एक और क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा करेक्टली मैचड है मसल टाइप गिवन है और कौन से बॉडी पार्ट में मिलता है ठीक है तो ये आपके पास तीन गिवन है और आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है स्केलेटल मसल के साथ बाइसेप्स को मैच किया हुआ है स्मूथ मसल के साथ स्टमक को मैच किया हुआ है और कार्डियक मसल के साथ हार्ट को मैच किया हुआ है अच्छा कोई बहुत शाना होता है ना तो वो इजीली कार्डियक को हम हार्ट से रिलेट कर लेते हैं तो वो तो इसका कह देता है कि चल यार कार्डियक मसल हार्ट के साथ बिल्कुल करेक्टली मैच होगा तो वो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए ढूंढने लगता है कि यार जिसमें थ्री नहीं है मैं उसको एलिमिनेट कर दूं लेकिन एग्जामिनर कई बार डेढ़ शाना होता है ठीक है तो एग्जामिनर ने क्या किया एग्जामिनर ने सारे ऑप्शंस के अंदर थ्री डाल दिया कि ले बेटा थ्री मैं तेरे को खुद ही बता देता हूँ कि थ्री तो करेक्टली मैच्ड है तो एलिमिनेशन मुश्किल हो जाता है इसमें है ना तो अपने को बाकी दो के साथ खेलना ही पड़ेगा कि हाँ क्या बाकी दो ठीक है या नहीं है अब muscle, तो जिसमें वन तो और थ्री तो नहीं है मैं उसको उड़ा देता हूं ये हटा और ये हटा फिर भी अब अपने पास कौन से कौन से बच गए वन टू एंड थ्री वन एंड थ्री लेकिन अब यहां पर भी कंफ्यूजन है कि टू ठीक है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो अगर आपको टू के बारे में पता है अल्टीमेटली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द एग्जामिनर ट्राइज टू मेक ऑप्शन सो डिफिकल्ट कि एलिमिनेशन मेथड ना चले और ऐसे कई क्वेश्चन मिलते हैं कई मैं ऑनलाइन uh, वीडियो देखता हूं और कई बार मैं कुछ टीचर्स को देखता हूं क्योंकि आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट तो मैं टीचर्स को सुनता हूं जैसे एलिमिनेट एलिमिनेशन से हो जाएगा आंसर एलिमिनेशन से हो जाएगा वहां यूपीएससी में पेपर उठा करके देखो एलिमिनेशन से कुछ नहीं होता हो जाते हैं क्वेश्चन लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि क्या टेक्निक्स जो है स्टूडेंट्स लगाते हैं ऑल लाइट right, तो इस केस में स्टमक मसल जो है इसका स्मूथ सॉरी स्मूथ मसल जो है ये स्टमक में मिलता है ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा वन टू थ्री ठीक है तो अब इन तीनों टाइप के मसल्स के बारे में देख लेते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स इसीलिए इसको स्केलेटल मसल कहा जाता है एंड ये मेनली बाइसेप्स में आपको मिलता है उसके बाद स्मूथ मसल ये इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं आपके uh, उनमें uh, आपको मिलता है जैसे ब्लड वेसल्स स्टमक इंटेस्टाइन तो उसमें आपको इस टाइप का मसल टिश्यू मिलेगा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि भाई स्टमक में देर इज विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू है ना या ब्लड वेसल में विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज देयर और इंटेस्टाइन में विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज देयर तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद होना चाहिए कि आपको कौन से इंटरनल ऑर्गन में है ब्लड वेसल स्टमक और इंटेस्टाइन एनसीआर के अंदर ये लिखा है अच्छा ये जो स्मूद मसल होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं यानी कि इनकी फंक्शनिंग आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे आपकी जो बाइसेप्स की मसल्स हैं उनको आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो उनकी मूवमेंट जब चाहे आप कर सकते हो और जब आप उसको रेस्ट पर लेकर आना चाहो लेकर के आ सकते हो पर स्टमक के अंदर की जो मसल्स हैं उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ब्लड वेसल्स की जो मसल्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती है अच्छा आप स्मूथ मसल्स के ऊपर ही अगर मैं सवाल बना दू एक स्टेटमेंट टाइप वाला कि द स्मूथ मसल्स फॉर्म द मैं एक स्टेटमेंट दे दू दे फॉर्म द वॉल ऑफ फॉर्म द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कि भाई ये इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वॉल फॉर्म करता है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट मैं टू दे दू द मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री कि इन मसल्स की मूवमेंट जो है वो इनवॉलेंट्री होती है आपसे मैं पूछ लू कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ डी नन तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी

विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन इधर थ्रू गिल्स और लंग्स तो यहां पर एक तरह से एम्फीबियन की बात हो रही है आपसे पूछ लेगा कि बताओ कौन है जो पानी में भी सांस ले सकता है और जमीन पर भी सांस ले सकता है फिश तो देखो नहीं है लंग्स नहीं होते फिश के पास ऑप्शन हट हट गया काओ को भी हम जानते ही हैं रोज देखते हैं रोज मिलते हैं तो काओ भी इसका आंसर नहीं है फ्रॉग और स्नेक में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि कुछ सांप हमें पानी में तैरते हुए दिखते हैं एनाकोंडा मूवीज हमने सबने देखी हैं ठीक है लेकिन सी भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि स्नेक जो है इसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं तो एनाकोंडा भी जब पानी में तैरता है तो वो मुंडी ऊपर करके तैरता है ठीक है लंग्स होते हैं गिल्स नहीं होते किसी भी स्नेक के पास आंसर इसका फ्रॉग होना चाहिए अब कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे कहेंगे सर फ्रॉग भी कैसे

सो ऑल राइट फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेक्चर को अपने एंड करेंगे एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है शेयर जरूर करना है मैक्सिमम जितने अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके इट विल वेरी गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय